नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। तो कोरोना क्या पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली करके दूर होगा? कोरोना क्या एक चुनावी रैली में यह कहकर दूर होगा? देखिए दीदी, ओ दीदी कहकर आप चुनाव तो जीत जाएंगे, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इससे कोरोना दूर होगा? क्योंकि कोरोना की अब एक और लहर सामने है, और ये इतनी खतरनाक लहर है कि जिससे हमारे बच्चे भी अछूते नहीं हैं। 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, मगर एक आम इंसान को क्या कीमत चुकानी पड़ रही है दोस्तों? जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल किलब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। जहां हमारे नेता खुलेआम चुनावी रैलीज कर रहे हैं, ढेरों तस्वीरें इसके सामने हैं, मगर आम इंसान पर लगातार अंकुश लगाया जा रहा है दोस्तों, उस पर अत्याचार किया जा रहा है कोरोना के नाम पर। मैं आपको एक एक करके दो वीडियोस दिखाने वाला हूं, एक इंदौर का है, दूसरा आजमगढ़ का है। सबसे पहले दोस्तों आपके स्क्रीन पर चल रहा है इंदौर का ये वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं इंदौर पुलिस बेरहमी से एक आदमी को मार रही है दोस्तों, इसे बेरहमी से मार रही है। उसका बच्चा जिसकी उम्र शायद 11-12 साल की है, वो मिन्नतें कर रहा है कि मेरे पापा को मत मारो। पुलिस वाले लगातार मार रहे हैं, और इस आदमी का गुनाह यह है कि इसने मास्क नहीं पहना था। मध्य प्रदेश प्रशासन ने उन दोनों पुलिस वालों को निलंबित कर दिया, मगर आपको जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, जो सिहरन पैदा करने वाली है, उसका मकसद यही है कि आम इंसान अगर मास्क ना पहने तो उसके बच्चे के सामने उसे बेरहमी से इस तरह से पीटा जाता है, जो कि इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मगर हमारे राजनेता क्या करते हैं, फिर से सुनिए। वो खुलेआम रैलीज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, ये है आजमगढ़ का वीडियो। आजमगढ़ के इस वीडियो में आप देख रहे हैं यहां पर पुलिस किस बेरहमी के साथ एक व्यापारी को ठूस रही है पुलिस वैन के अंदर। इस वीडियो में देखिए दोस्तों किस बेरहमी के साथ, इसका गुनाह यह था कि इसने भी मास्क नहीं पहना था बुरी तरह से। उसके बाद क्या होता है कि ट्रेडर्स होते हैं वो बेकाबू हो जाते हैं, व्यापारी बेकाबू हो जाते हैं और वहां पर तोड़फोड़ करते हैं। मगर जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें जिस तरह से व्यापारी को भेजा जबरदस्ती पुलिस अंदर कर रही है, मैं जानना चाहता हूं पुलिस से, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत राजनेताओं के खिलाफ है? इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या आप जानते हैं कि आज अमित शाह ने 4 रोड शोज को संबोधित किया? क्या रोड शो के अंदर लोगों को कोरोना नहीं होता है? कौन से रोड शोज हैं देखिए आपके सामने। 12 बजे उन्होंने सिंगूर रोड शो को संबोधित किया था, उसके बाद 1:35 पर डोमजूर, हाड़ा मध्य 3 बजे और बेहाला पूर्वा 4:40 पर। और यही नहीं, कांग्रेस अमित शाह पर यह कहकर भी हमला बोल रही है आपके स्क्रीन पर कि अमित शाह जहां पर भी जाते हैं कभी मास्क नहीं पहनते हैं। देखिए प्रधानमंत्री की रैली में हजारों लोग आते हैं, प्रधानमंत्री ने आज तक अपनी एक भी रैली में यह नहीं कहा कि मास्क पहनो। उनकी जो जनता आती है, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, उनकी जो जनता आती है उनमें से कोई मास्क नहीं पहना होता है, इक्का दुक्का लोग होंगे जो मास्क पहने होते हैं। ये लगातार हमला बोल रहे हैं ममता बनर्जी पर, राहुल गांधी पर, मगर प्रधानमंत्री जो कि इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं इस देश के, लाखों करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस रैली में एक शब्द नहीं बोल सकते कि मास्क पहनो। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक्सपोज हो जाएंगे, वो जानते हैं कि करनी और कथनी का फर्क सामने उभर कर आ जाएगा, क्योंकि आम इंसान को इस तरह से पीटा जाता है उसके अपने 11 साल के बच्चे के सामने। फिर देखिए यह वीडियो दोस्तों, यह वीडियो बतला रहा है कि हमारे राजनेताओं और आम इंसान के बीच का फर्क क्या है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा है कि आप अपनी गाड़ी के अंदर इकलौते भी हों तब भी आप मास्क पहने रहिए, क्योंकि गाड़ी जो है वो एक सार्वजनिक जगह है। आम इंसान के लिए आप इस तरह के फरमान जारी करते हैं, मगर आज मैं हाथ जोड़कर माननीय दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग सुओ मोटो इन राजनेताओं को नसीहत दीजिए, आदेश दीजिए कि ये क्यों इस तरह की चुनावी रैलीज कर रहे हैं। क्या ये लोग सुपर स्प्रेडर नहीं है? क्या ये लोग इस तरह से कोरोना नहीं फैला रहे हैं? आपके सामने परिणाम प्रमाण दे रहा हूं दोस्तों, ये देखिए।
सुनील बंसल, इनका क्या ट्वीट आया है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। शुरुआती लक्षण दिखने पर कल मैंने कोरोना जांच करवाई जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। पिछले दिनों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों से निवेदन है कि आप भी अपनी जांच करा लें। और कितने लोग भारतीय जनता पार्टी नेता सुनील बंसल से संपर्क में आए थे आपके सामने, ये खुद ही को वो एक्सपोज कर रहे हैं। देखिए क्या कहा है उन्होंने। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कमरहटी विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। क्या सुनील बंसल कोरोना से बिल्कुल ऊपर थे? जब वो इन सभाओं को संबोधित कर रहे थे तब उन्हें नहीं लग रहा था कि वो जो हैं कोरोना के स्प्रेडर हो सकते हैं या उन्हें खुद को कोरोना हो सकता है? अब हो गया ना। और उनके आसपास आप देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यहां देखिए, सुनील बंसल जो हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हुए हैं। और अब इन तस्वीरों में देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। तो यहां पर क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं दिखाई देता कि वो ऐसे शख्स के साथ संपर्क में थे जो कोविड पॉजिटिव था? अब इसे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उठाया। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग क्या सो रहा है? जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जो कि सुनील बंसल से कांटेक्ट में थे वो चुनावी रैली कर रहे हैं। यही नहीं, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर सूर्यदेव प्रताप सिंह ने तो योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा तक दर्ज करने की बात की है। मुकदमे तक मैं नहीं जाऊंगा, मगर सीधा सवाल मैं यहां ये पूछ रहा हूं कि क्या एक मुख्यमंत्री को एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति से कांटेक्ट में आने के बाद चुनावी रैलियां करनी चाहिए? दोस्तों ऐसी ढेरों मिसालें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी नेताओं को कोरोना हो रहा है, वो लोग वापस आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज से ठीक एक साल पहले तबलीगी जमात के बारे में इतना झूठा और घटिया प्रोपेगेंडा चलाया गया था, और मैंने उस वक्त भी अपने कार्यक्रम में तबलीगी जमात को यह कहकर उन पर दोष मढ़ा था कि आपको इस वक्त इस सम्मेलन को करना ही नहीं चाहिए था। मगर मैंने यह भी कहा था कि यह बताइए तबलीगी जमात के इस सम्मेलन को इजाजत किसने दी? दिल्ली पुलिस ने, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो दोष किसका हुआ? नंबर दो, जहां पर तबलीगी जमात का यह सम्मेलन हो रहा था उसके बिल्कुल साथ में निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन है, यानी कि दिया तले अंधेरा। और तीसरी बात, क्या आप जानते हैं कि मुंबई पुलिस ने तबलीगी जमात को इजाजत नहीं दी थी, तो फिर दिल्ली पुलिस ने क्यों इजाजत दे दी? और उसके बाद तबलीगी जमात के बहाने एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया था न्यूज चैनल्स ने। तबलीगी जमात को एक तो झूठा उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया जैसे किसी और ने नहीं, औरंगाबाद हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा था कि तबलीगी जमात के मामले में जस्टिस बोबडे, चीफ जस्टिस बोबडे ने याद है ना क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि तबलीगी जमात वाले मामले में मीडिया ने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल किया। तो तबलीगी जमात को तुम सुपर स्प्रेडर कह रहे थे, ये लोग लगातार फैला रहे। मगर मैं आपसे बोलना चाहता हूं, चाहे प्रधानमंत्री की यह रैली आपके जो स्क्रीन पर है या अमित शाह का यह रोड शो जो आप देख रहे हैं, यह क्या है मुझे बताइए ना। और जब देश के गृह मंत्री अमित शाह की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, तो दो दिन पहले क्या हुआ मैं आपको बताने वाला हूं, और इसका जिक्र मैंने कल अपने एक शो में किया था, आप ध्यान से सुनिएगा। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला होता है, हमारे 22 जवान शहीद हो जाते हैं। अमित शाह पत्रकारों से बात करते हैं, एक पत्रकार उनसे सवाल करता है कि 22 हमारे जवान मारे गए और आप यहां पर चुनावी रैली कर रहे हैं? आप जानते हैं अमित शाह क्या कहते हैं खुलेआम? जिस दिन उन्होंने बताया जाता है कि उनकी 3 रैलीज थी, उन्होंने कहा मैं कहां चुनावी कैंपेनिंग कर रहा हूं, खुलेआम गलत बयानी। और यही नहीं, उस पत्रकार के माइक को भी वो धक्का देते हैं। पहले अमित शाह ने क्या किया वो वीडियो देखिए। सर घटना देर शाम हुई, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी प्रचार कर रहे हैं, गृहमंत्री भी प्रचार कर रहे हैं, प्रचार छोड़ के जा रहे हैं आप, उल्टी खबर बना रहे हैं। सर आपके आपके और मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। इस वक्त अक्षय कुमार राम सेतु फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए और अस्पताल में भर्ती। और यही नहीं, खबर यह आई है कि राम सेतु फिल्म में काम करने वाले 45 जूनियर आर्टिस्ट को कोविड हो गया है, कोरोना हो गया है।
किसकी हिम्मत है अक्षय कुमार को सुपर स्प्रेडर कहने की, जिस तरह से तुम तबलीगी जमात पर सवाल उठा रहे थे। आज चाहे मैंने आपको इंदौर का वो वीडियो दिखाया हो, चाहे आजमगढ़ का वो वीडियो दिखाया हो, या फिर पिछले साल जिस तरह से तबलीगी जमात को टारगेट किया था, वो जो मैंने आपके सामने हकीकत दिखाई है, ये बतला रहा है कि इस देश के आम इंसान पर तो आप दमन कर सकते हैं, अदालतें भी उस पर ही सख्ती लागू कर सकती है, मगर हमारे राजनेता कुछ भी कर सकते हैं। सुनिए फिर से, दीदी ओ दीदी। एक तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मेरी दोस्त हैं पत्रकार रोहिणी सिंह, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अभिसार मुझे एक बात बताओ कि अगर हमारे पापा, मेरे पापा की भी उम्र 70 साल के ऊपर है, या मेरे ससुर, उनकी भी उम्र 70 साल से ऊपर है, अगर वो इस तरह से किसी और बुजुर्ग महिला के बारे में कहें दीदी ओ दीदी, तो हमको कैसा लगेगा? और आप खुद से सवाल पूछिए कि अगर आपके घर के अंदर का कोई बुजुर्ग किसी दूसरी बुजुर्ग महिला के बारे में बिल्कुल इसी अंदाज में कहे दीदी ओ दीदी, आपको कैसा लगेगा दोस्तों? तो मैं देखिए, राजनीतिक शालीनता की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। आपको लग रहा है कि दीदी ओ दीदी कहने से आपको वोट मिल रहा है, आप लीजिए वोट, आपको चुनाव जीतना है जीतिए, और जनता को आपको छप्पर फाड़ वोट देना है इस राजनीति पर, तो सियासत मुबारक आपको, सत्ता आपको मुबारक। मगर मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, आप चुनाव जीतिए लड़िए, उससे मेरा कोई मतलब नहीं, मगर आम इंसान के साथ नाइंसाफी मत कीजिए। एक बहुत अच्छी बात मेरे एक अन्य पत्रकार मित्र ने कही थी, स्वाति चतुर्वेदी ने, और उन्होंने कहा कि हमारी जो सरकारें हैं वो बिग ब्रदर क्यों बनी हुई हैं? यानी कि आपने ये तो कह दिया कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, मगर एक अरसे से मास वैक्सीनेशन की मांग की जा रही है, उस पर आप पूरी तरह से खामोश हैं। यानी कि ले दे के आपने कर्फ्यू लगा दिया, और उस कर्फ्यू से क्या होगा मुझे बताइए ना? क्या आप आम इंसान में, लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं मास्क को लेकर? प्रधानमंत्री, आप चीफ मिनिस्टर्स के साथ तो बैठक करते हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ये जरूर कहते हैं कि ये जो कोरोना फैल रहा है वो स्थानीय चुनावों के चलते फैल रहा है, मगर क्या हर्षवर्धन ने यह कहा कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी बड़ी रैलीज हैं, या अमित शाह जो रोड शोज कर रहे हैं, इसके बारे में कहा उन्होंने? उन्होंने तो प्रियंका गांधी या राहुल गांधी पर भी सवाल नहीं उठाया कि वो किस तरह से रैलीज कर रहे हैं। और क्यों नहीं उठाया मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अगर आप प्रियंका गांधी पर उंगली उठाएंगे, राहुल गांधी पर उंगली उठाएंगे, तो आप प्रधानमंत्री पर भी फिर आपको करना पड़ेगा। तो मैं जो आपसे बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आम इंसान पर तो आप उंगली उठाएंगे, मगर जो राजनेता कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से कोई सीख नहीं दे रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, दिल्ली और महाराष्ट्र मिन्नतें कर रहा है केंद्र सरकार से, मास वैक्सीनेशन कराई जाए। कई राज्य हैं वहां वैक्सीनेशन के डोजेस कम हो रहे हैं, कमी पड़ने वाली है, इस पर कोई सुनवाई नहीं है। कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि बीएमसी ने, मुंबई के अंदर बीएमसी ने अपील की केंद्र सरकार से कि ऐसे कई बुजुर्ग हैं जो अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, और उन बुजुर्गों को वैक्सीनेशन, हम घर जाके, उनके घर जाकर वैक्सीनेशन करना चाहेंगे। केंद्र सरकार ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि जी ऐसा हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है कि घर में जाके हम वैक्सीन कराएं, वैक्सीनेशन दें। एक सरकार करने को तैयार है, महाराष्ट्र सरकार करने को तैयार है, तो आप क्यों बच रहे हैं? और दूसरी बात, अगर एक सरकार अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव ले रही है, तो केंद्र सरकार को तो मदद करनी चाहिए ना, सुचारू ढंग से वो काम हो सके उसके लिए आपको कुछ करना चाहिए, वो आप कर नहीं रहे हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूं क्यों। इस कार्यक्रम के अंदर तथ्यों के साथ मैंने आपको बताया कि आम इंसान की तो बेरहमी से पिटाई होती है अगर उससे कोई गलती हो जाए। चलिए मैं मान भी लूं कि अगर पुलिस 3-4 थप्पड़ मार दे और उससे आम जनता सुधर जाए तो चलिए बहुत अच्छी बात है, मगर जो आदमी लोगों के दिलों में राज करता है, इस देश का सबसे लोकप्रिय चेहरा है, यानी कि हमारे अपने प्यारे मोदी जी, वो खुद क्या सबक दे रहे हैं कोरोना को लेकर?
कि मैं तो चुनावी रैली कर सकता हूं, मगर तुम अगर मास्क नहीं पहनोगे तो तुम्हारे मासूम बच्चों के सामने पुलिस से पिटवाया जाएगा। कितना बड़ा दोहरा ये मापदंड है दोस्तों। कोरोना की एक और लहर शुरू हो रही है, मेरी आप सबसे प्रार्थना है दोस्तों, मास्क पहन के रखिए, मास्क पहन के रखिए, और खासकर वो मास्क जो पूरा आपका चेहरा कवर करता है। किसी भी कीमत पे वो मास्क आपके नाक के नीचे स्लिप नहीं होना चाहिए। हम इसी तरह से जंग जीत सकते हैं, क्योंकि एक बात तय हो गई है कि टीकाकरण जो है पूरे भारत में देना संभव नहीं है। ये जंग हम सबको, हम सब जो अपने घरों में रह रहे हैं, खुद ही हमको ये जंग लड़नी पड़ेगी, खुद ही हमें जो है इसका मुकाबला करना पड़ेगा। क्योंकि सरकारों को जहां तक मुझे लगता है परवाह नहीं है दोस्तों, वो तो चुनावी रैली को संबोधित कर रही है, राजनीतिक दलों को कोई परवाह नहीं। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, मास्क का ध्यान रखिए, क्योंकि ढेरों मिसालें आ रही कि बच्चों के साथ बच्चे जो हैं संक्रमित हो रहे हैं इस दूसरी लहर में, तो उनका ध्यान रखिएगा दोस्तों। बोल के लब आजाद है, तेरे में बस इतना ही, अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।